गाइस तो कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं बहुत अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। स्पेशली ये रेसिपी बैचलर लोग के लिए है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पता आज की रेसिपी क्या है? आज की रेसिपी आलू कटहल की सब्जी है, जो कि एकदम सिंपल और बहुत आसान तरीके से बनाने की मैंने कोशिश की है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पैन में पानी ढेर सारा चढ़ा दिया है और इसमें मैंने कटहल डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। उसके बाद मिनिमम इसे 20 से 25 मिनट के करीब बॉयल करना है। पानी आपको इतना डालना है कि सारी कटहल अच्छे तरीके से पानी में डूब जाए, कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स इस कटहल को आपको 80% के करीब कुक करना है। मैं इसे ढक करके पकाने वाली हूँ, कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं ये कटहल फटाफट जल्दी से सीज जाए तो आप ये शॉर्ट तरीका आजमा सकते हैं। कुकर चढ़ा दे, कुकर में पानी डाल के सेम तरीके से आप इसमें कटहल डाल दे और मिनिमम 1 से 2 सीटी आप लगा दे, आराम से ये सारी कटहल सीज जाएगी। तो आप देख सकते हैं सारी कटहल हमारी सीज चुकी है। तो अब मैं सारी कटहल को एक बाउल में निकाल देती हूँ, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कटहल अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। ये सारी कटहल को मैंने एक बाउल में डाल दिया है। उसके बाद मैंने अलग गैस पे पैन चढ़ा दिया है जिसमें मैंने तेल डाल दिया है मिनिमम 5 से 6 चम्मच के करीब। कटहल की सब्जी में मेन भूमिका निभाने वाली होती है तेल। उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही आप तेल डालें। तेल डालने के बाद, तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ कटहल। कटहल को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ, कुछ इस तरीके से। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर आ रही है तब तक आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए चलाते जाती हूँ, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कटहल में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुकी है। तो अब मैं एक झांझ की सहायता से सारे कटहल को निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कटहल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो सेम पैन में मैं 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देती हूँ और 2 से 3 तेज़पत्ता डाल देती हूँ। तेज़पत्ता डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ हरी मिर्च काट करके रखी थी, वो भी मैं इसमें डाल करके इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हरी मिर्च अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इस स्टेज पर डाल देती हूँ इसमें 8 से 10 प्याज। प्याज डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और कुछ इस तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ जब तक इसका कलर थोड़ा मोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। फ्रेंड्स अभी मैंने गैस का फ्लेम को मीडियम रखा है। तो अभी तक मैंने मीडियम ही रखा है, शुरू से लेके अभी तक मैंने मीडियम रखा है गैस का फ्लेम। तो मीडियम ही गैस के फ्लेम में अच्छे तरीके से इसे फ्राई करना है। सारे प्याज को अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इस स्टेज पर डाल देती हूँ टमाटर। मिनिमम 3 से 4 टमाटर मैंने ले लिया था जिसे मैंने काट करके इसमें डाल दिया। टमाटर डाल देने के बाद अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर को गलाने के लिए मैं स्वाद के अनुसार से इसमें नमक डाल देती हूँ। गाइस मैं बाद में नमक नहीं डालने वाली हूँ, मैंने अभी ही नमक डाल दिया है। नमक डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। गाइस आप सेम स्टेप से बनाओगे तो आपका ये कटहल और आलू का सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। स्पेशली बैचलर लोग इस टिप्स से बनाए, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है। तो आप देख सकते हैं ये प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, मिनिमम 2 से 3 चम्मच के करीब। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और ये सारी प्याज टमाटर अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अब आती है मसालों की बारी। मैं 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल देती हूँ मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ। धनिया पाउडर डाल देने के बाद मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और गर्म मसाला अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे मसाले डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और ये सारे मसाले को अच्छे तरीके से मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मसाले मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसे 5 से 7 मिनट के करीब फ्राई करने वाली हूँ गैस का फ्लेम हाई करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इस स्टेज पे डाल देती हूँ इसमें बॉयल आलू, जो कि मैंने पहले से छील करके रखा था। उसे मैंने कटिंग कर लिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आलू का साइज कैसा होना चाहिए। आलू को मैंने 2 टुकड़े के करीब मैंने कटिंग किया था। उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ और ये सारे मसाले में अच्छे तरीके से आलू को डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम कर दिया है गाइस। मिनिमम 2 से 3 मिनट हमारी हो चुकी है आलू डाले हुए। आलू डालने के बाद 2 से 3 मिनट होने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ कटहल, जो कि मैंने पहले से फ्राई करके रखा था। कटहल डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, कुछ इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कटहल डाल देने के बाद मैं मिनिमम 5 मिनट के करीब इसे फ्राई कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम कर दिया है गाइस, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के करीब मैंने इसे फ्राई कर लिया है, तो सारी सब्जी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। फ्रेंड्स आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको गाढ़ा ग्रेवी पसंद है या फिर थोड़ा नॉर्मल पतला ग्रेवी पसंद है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस अपने हिसाब से आप ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं। पानी को डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से बॉयल करती हूँ जब तक इसका ग्रेवी थोड़ा सा थिक ना हो जाए, क्योंकि आलू और कटहल का ग्रेवी थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है। तो मिनिमम 10 मिनट के करीब मैंने इसे अच्छे तरीके से बॉयल किया है। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कितनी बॉयल हो चुकी है अच्छे तरीके से, और ये सारी ग्रेवी अच्छे तरीके से सूख भी चुकी है, थोड़ी थिक भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आलू कटहल की सब्जी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, फर्स्ट क्लास कम्प्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें धनिया का पत्ता डाल देती हूँ। धनिया का पत्ता डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास धनिया का पत्ता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आलू कटहल की सब्जी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आती है सर्व की बारी। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं ये आपको रेसिपी कैसी लगी। स्पेशली ये रेसिपी बैचलर लोग के लिए कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने जितना हो सके शॉर्ट तरीके से आपको बताया है, स्पेशली आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूले गाइज। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।